दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ आपको इंस्टेंट कुकर वाली खीर। उसके लिए मैंने लिए है चावल, आधे घंटा भिगो के रखा है। छोटी कटोरी है तो ठीक है, नहीं तो अपनी दो मुट्ठियों से नाप के भिगो दो, जितने बनाने हैं उस हिसाब से। और ये दूध है, ये ड्राई फ्रूट है, ये चीनी है और ये थोड़ा केसर है। मैं चढ़ा देती हूँ चावल। चावल जितने हमने लिए हैं उसका तीन गुना पानी पकाने के लिए तो दो लेते हैं, खीर के लिए तीन गुना पानी ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें एक सीटी लगा लेंगे। ये मेरे चावल पक गए हैं दोस्तों, और मैं इसको एक इसकी सहायता से अच्छे से मैश कर लूंगी, अच्छे से घुट जाए तो इसमें दूध डाल दूँ। दूध डाल के ढक्कन लगा के और एक सीटी और दिलवा दो। सीटी आने से पहले बंद कर देना ताकि दूध बाहर ना निकले कुकर की सीटी से, नहीं तो सारा दूध बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको बंद करके वापस से गैस पे रख दूँ। दोस्तों अब मैं अपना कुकर खोल रही हूँ। खीर मेरी करीब करीब तैयार है और अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी आप अपनी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ। कम खाना है तो कम मीठा, ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा। और मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ केसर कलर के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, वैसे उबलने वाली खीर जैसा ही है और टेस्ट भी इसका अच्छा ही लगेगा, वैसा ही जैसा उसका आता है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट, अब आप इसको ठंडा करके खाएं, फ्रिज में रख के, या गरम खाएं किसी भी चीज़ के साथ, खीर पराठे, खीर कचौड़ी, और ऐसे भी। दोस्तों खीर तैयार है, आई की रसोई में आज मैंने खीर बनाई है। खाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।